Yo, what's up guys? कैसे हो आप सब लोग? मैं हूं समर्पण दास गुप्ता, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे ही होंगे। Welcome back to Resident Evil 4। Last video में आपने देखा था हमें एक लेक को पार करना था चर्च के चाबी ढूंढने के लिए, बट उस लेक में एक बहुत भयानक मॉन्स्टर था जो हमारे ऊपर अटैक कर दिया और हमारा मूड भी खराब हो गया था। बट बहुत मुश्किल से हमने मॉन्स्टर को हराया और मॉन्स्टर की मौत हो गया। बट लास्ट में हम भी इतना थक गए थे, हम भी सेंसलेस हो गए थे। तो आज से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, तो चलो देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है और पता नहीं ये कौन सा मॉन्स्टर आ रहा है। कौन है भाई ये? मतलब लास्ट वीडियो में लियोन सेंसलेस हो गया था, वो आई थिंक कोई सपना दिख रहा है, इतना डराओ ना। अरे भाई साहब, लियोन को सपना आ रहा है, वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने वाला है। अरे भाई साहब, नहीं नहीं भाई तू ठीक है, टेंशन मत ले। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा इस बोट में हम सेंसलेस होकर पड़ गए थे और ये लेक में हम उस मॉन्स्टर के साथ हमारा फाइट हुआ था। अब हमें लेक के उस दूसरी तरफ जाना पड़ेगा जहाँ पर चर्च का की है, जिस चर्च के अंदर है यूएस प्रेसिडेंट का बेटी। अरे भाई बोट स्टार्ट हो गया, लास्ट वीडियो में बोट खड़ा हुआ था, यहाँ पर बोट स्टार्ट हो गया। यही होता है जिंदगी के साथ, तो चलो इसको मजा करना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो अब हेडक्वार्टर में एक बार फोन करके अपडेट देना पड़ेगा क्या हुआ है या क्या नहीं। हेडक्वार्टर से फोन भी आ गया हमारा, क्या बात होता है बात सुन के मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली फोन करके बात हो गया, हमने बोल दिया वाह भाई हम तो जिंदा है बट अभी भी चर्च का की ढूंढ रहे हैं। वो बोल रहा है भाई थोड़ा सा जल्दी कर, नहीं तो यूएस प्रेसिडेंट का जो बेटी है उसका ही मतलब हाल बिगड़ जाएगा। फाइंड द की टू द चर्च। ओके चलो हमें यहाँ से घुसना पड़ेगा, गोली वगैरह सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक अब ज़ॉम्बी का फाइट थोड़ा सा कम होगा। ये क्या है भाई? अरे वो ये जो पुलिस ऑफिसर हमारे साथ आया ना जिसको लेक में फेंक दिया था उसका टोपी है, मतलब यहाँ पर ही उसका ये हो गया था। मेरे को डर लगता है, मतलब ऐसा ओपन करूंगा ज़ॉम्बी निकल के आएगा। किसी का तो साउंड आ रहा है, अब डेंजरस होने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेस है, मैं लेते लेते जाऊँगा। ठीक है चलो यहाँ से आराम से जाते हैं। पहले किसी ना किसी का तो साउंड आ रहा है, ये कहाँ से हम जा रहे हैं मेरे को भी नहीं पता यार, ये बहुत डेंजरस है। वीडियो को लाइक करना यार, इस वीडियो में बहुत एफर्ट लगता है बनाने में क्योंकि मेरा बहुत फट जाता है। अरे भाई ये कौन है? तू कौन है? एक सेकंड, ये तो विकसित रूप में है। एक सेकंड, हाँ चलो मर गया। अरे मरते भी तो नहीं है ये लोग, मरते भी नहीं है यार। अरे भाई यहाँ पर किसका बोली दिया है यार। अच्छा यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है चलो यहाँ से आराम से जाते हैं। एक केप के अंदर हमने आ गए, कहीं से भी अटैक हो सकता है, आराम से चलो। वो तो मेरे को भी जानना है व्हाट इज दिस प्लेस। ठीक है चलो आराम से चलो, आराम से आराम से। भाई ये क्या है? एक सेकेंड भाई, ज़ॉम्बी तो अटैक नहीं हो जाएगा ना। ठीक है चलो यहाँ पर क्या है एक बार जाकर देखता हूँ। कोई क्या है यार, कोई पाजल लग रहा है। अच्छा आई थिंक कुछ आके ये हाथ के ऊपर रखना पड़ेगा, ये जो है ना ऐसा कुछ। वेयर इज द की? इज दिस द की? तो की ढूंढ के लाना पड़ेगा हमें। अरे भाई साहब, अच्छा दो लोकेशन पे ना वो जो पाजल का दो मतलब हाथ के ऊपर रखना पड़ेगा, दोनों तरफ है, एक है इधर और एक है इधर। पहले मैं देखता हूँ यहाँ पर कैसे जाऊँ। यहाँ पर जाने के लिए मेरे को पहले ऐसे बोट तो पकड़ना पड़ेगा। चलो जाके पहले बोट तो पकड़ते हैं, नहीं तो जाऊँगा कैसे। भाई ये कितना डरावना है यार। ठीक है चलो यहाँ से आराम से जाते हैं। ओके यहाँ पर क्या है यार, एक बार देख लेता हूँ। अच्छा ओल्ड वेस्टरिंग की, पता नहीं ये क्या है। बात में ना कोई ना कोई काम में तो आ ही जाता है कुछ ना कुछ। और यहाँ पर कुछ रिसोर्सेस है, चलो इसको ले लेते हैं। हैंड गन है वो, क्या बात है भाई। चलो यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ था। साम फेच मी रेयर बोट, पता नहीं छोड़ो, काम का बात नहीं होगा तो नहीं पढ़ूंगा। ठीक है चलो अब हमें बोट चला के जाना पड़ेगा, जिधर जाने में हमें बहुत टाइम लगेगा तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। तो इस वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट जबरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।